दोस्तों ये हुंडई की ग्रैंड i10 है और स्पोर्ट्स मॉडल है 1.2। तो इसका डिक्की नहीं खुल रहा है, तो हम लोग इसका डिक्की चेक करेंगे। तो इमरान भाई ज़रा देखो, ये इमरान भाई हैं, ये चेक करेंगे। तो देखिए ये बटन प्रे अंदर एक बटन है, उस बटन को प्रेस कर रहे हैं लेकिन डिक्की नहीं खुल रहा है। तो ये बताएंगे अपने को कि कैसे अंदर से खोलना है। तो इमरान भाई बताइए ज़रा कैसे खोलना है इसको अंदर से। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अब ये खोलेंगे इसको यहाँ से। एक मिनट इमरान जी, कैसे आपने सीट फोल्ड किया जरा बताइए। सीट का बटन रहता है यहाँ पे देखिए, सीट का बटन है यहाँ पे नॉब, उस बटन को ऊपर खींचना है। ऊपर खींचना, सीट वापस से खींच के अंदर को, उस बटन को ऊपर खींचना है तो सीट निकल जाएगा। तो इमरान भाई हैं, अब ये यहाँ से ये डोर पैड आई थिंक खोलेंगे। तो यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, तो वो स्क्रू खोल रहे हैं। दोस्तों ये स्क्रू है जो इन्होंने निकाला है और इस तरीके से देखिए डोर पैड को खींचा है, अब ये डोर पैड निकल गया है। अब देखिए यहाँ से खोलो जरा, देखिए दोस्तों इसको बार की तरफ प्रेस करना है तो ये डिक्की खुल जाएगा। लैच का सॉकेट है ये उस लॉक का सॉकेट है, तो इस सॉकेट को बाहर निकाल के जो भी है फिर आप लोग बटन वगैरह निकाल के बाहर चेक कर सकते हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था। देखिए 3 10 नंबर के नट दिए हुए हैं, 2 ऊपर है और 1 नीचे है, तो इसको भी हम लोग एक बार निकाल लेते हैं बाहर। तो ये तीनों नट खोल चुके हैं, अब इसको बाहर निकाल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसको जो है, ये 2 क्लिप हैं, इस दोनों क्लिप को आप लोग को दबाना है। देखो अब दबाते ही निकल गया, तो अब देखते हैं इसको बाहर से क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिक्की का लॉक आता है और इसका आप बटन देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक बटन है, ये देख सकते हो बटन पूरा खराब हो चुका है। तो अब हम लोग इसका बटन रिप्लेस करेंगे। दोस्तों इस तरीके से आप लोग खोल सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।